हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे ऑटोकैड में किस तरीके से सेंटर और डायामीटर की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपने होम बटन में क्लिक करना है और इस ड्रॉ ग्रुप में जाना है और इस छोटे से एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बॉक्स अपीयर होगा और सेकेंड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, सेंटर और डायामीटर। क्लिक करने के बाद आपका ये कमांड एक्टिवेटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। क्लिक करने के बाद आपका सेंटर स्पेसिफाई हो जाएगा और अब आपको लेना है इसका डायामीटर। जैसे जैसे आप इसे मूव करेंगे, ये डायामीटर लेने के लिए और डायामीटर इसका ज़्यादा होता जाएगा। ये जो येलो डॉटेड लाइन है, ये इसका डायामीटर है। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 5 फिट और एंटर। ये इसका हो गया डायामीटर। अब दोस्तों, आप चाहते हैं कि इसी सेंटर से एक और सर्कल आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो फिर से आप ये कमांड लेंगे और इस बार सेंटर सेलेक्ट करेंगे और फिर से आप चाहे तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस देना चाहते हैं, मैं एग्जांपल में 7 फिट 5 इंच और एंटर। तो ये डायमीटर है, ये डायमीटर है यहाँ से यहाँ का, उसका हाफ क्या हो जाएगा, 2.5। तो इस तरीके से दोस्तों, सेंटर और डायमीटर की हेल्प से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं ऑटोकैड में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पे विज़िट करें। थैंक यू।